Hello everyone, welcome to my history class. Today we will continue chapter 1 of class 12 Bricks, Beads and Bones, the Harappan Civilization. In our previous video, we have read about the introduction of Harappan Civilization and first topic, beginnings. We read about the mature Harappan sites and early Harappan sites. So, in this video, we will read about the subsistence strategies. So, in both the cultures, early Harappan culture and later or mature Harappan culture, some subsistence strategies are similar, some were not similar. So, let us read. If you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed. In some of the areas. Occupied by the early Harappan cultures. So students you can see. Map number 1. This is of mature Harappan sites. And these black dots. Hai na, these all dots showing mature Harappan sites. And you can see map number 2. Some black dots are at the same places. Some names are also matching like Kodizi. Amri. सो so, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं एज वी रेड दिस्ट जिस जिसमें गिवन है नंबर्स आल्सो गिवन गिवेन देयर दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर सर्टिन कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज द एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट वो क्या क्या खाते थे उनकी जो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटी थी जो उनकी लाइफ का जो गुजारा किससे होता था क्या उनका खान पान था तो वो जो खाते थे कई तरह के प्लांट एनिमल प्रोडक्ट्स एंड इंक्लूडिंग फिश आर्क्योलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइट्री प्रैक्टिसेस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेयर ग्रेन्स एंड सीड्स सो जब उन्होंने उनकी डायट्री जो भी प्लान था डाइटरी प्रैक्टिसेस थी उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया हिस्टोरियंस ने वो किस पे बेस्ड था जो उनको कुछ जली हुई सीड्स के ग्रेन्स के कुछ पार्टिकल मिले हैं कुछ सीड्स मिली हैं जब उन्होंने एग्जिशन की उसको स्टडी किया तो वहाँ पे कुछ ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं सो डेफिनेटली अगर ग्रेन्स वहाँ पर थी तो वो उनको खाते थे ग्रेन्स को अगर वो प्रोड्यूस भी करते थे सो so, डेफिनेटली वो खाने के लिए ही प्रोड्यूस करते थे दीज आर स्टडीड बाई आर् बोटनिस्ट आर्क्यो आर्क्योलॉजिस्ट कौन से होते हैं जो स्टडी uh, करते हैं अर्थ की एग्जिक्वेशन करते हैं सोयल की स्टडी करते हैं बोटनिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं हु आर स्पेशलिस्ट इन एंशियंट प्लांट रिमेन्स ग्रीन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड व्हीट बार्ले लेंटिल चिकपी एंड सी सेम तो अगर हम ग्रेन्स की बात करें तो वहाँ पे गेहूँ बाजरा दालें तिल और आर मिलेट्स आर फाउंड फ्रॉम साइट्स इन गुजरात फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर अगर मिलेट की बात करें बाजरा जो है वो गुजरात की साइट्स में मिला है राइस जो है वो बहुत कम रेयर कहीं 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 पे कोई रेयर उनको सीड्स मिले हैं राइस के सो एक और यहाँ पे बात होती है स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है सीड्स मिल जाते हैं तो हम इस पर श्योर नहीं होते स्टूडेंट्स हमारे कभी भी श्योर नहीं होते कि वो सीड्स अगर वहाँ पे हैं तो वहाँ पे ही प्रोड्यूस किए गए होंगे बिकॉज बहुत पास्ट की बात है और सीड्स क्या होते हैं उसके चांसेस होते हैं कि वो कहीं से माइग्रेट हो आए हों विद द सॉयल बहुत सारे चांसेस होते हैं एनिमल बोन्स फाउंड एट हरप्पन साइट्स इंक्लूड दोज ऑफ कैटल शीप गॉट बफलो एंड पिग। तो बोन्स मिली हैं इन पर्टिकुलर एनिमल्स की तो डेफिनेटली वो या तो रेयर किए जाते होंगे या फिर या तो डोमेस्टिकेट किए जाते होंगे अपने यूज़ के लिए स्टडी इज डन बाई आर्योजोलॉजिस्ट और जो आर्जिस्ट दोनों ही वर्ड में एक ही बात क्लियर हो रही है आर्यो जोलॉजिस्ट जो एनशियनट किसकी एनिमल्स की स्टडी करते हैं इंडिकेट्स दैट दीज एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड सो जो उन्होंने स्टडी की तो उसके बाद ये क्लियर होता है कि इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है सारे के सारे ऐसे एनिमल हैं जो डोमेस्टिक यूज में काम आते हैं बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर डियर एंड घड़ियाल आर ऑल्सो फाउंड वी डोंट नो वेदर दर अपन हंटेड दीज एनिमल्स दैम सेल्व्स और ऑप्टेन मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्यूनिटीज तो ये जो बोन्स मिले हैं तो डेफिनेटली ये वाले एनिमल्स भी उनके पास होंगे वो इनका कुछ ना कुछ तो यूज़ करते होंगे सो so, ये सारे के सारे एनिमल जो हैं वो वाइल्ड एनिमल हैं लाइक like, बोर एक जंगली टाइप का सुअर होता है डियर एंड घड़ियाल बोन्स ऑफ फिश एंड फाउल आर ऑल्सो फाउंड फिश की भी बोन्स वहाँ पे मिले हैं तो डेफिनेटली ये जो सारे के सारे एनिमल हैं इनकी ये वाइल्ड एनिमल हैं इनसे भी ये क्लियर होता है कि वो क्या करते होंगे अपने खाने में यूज़ करते होंगे फिश और फॉल तो आज भी कॉमन है मुर्गा जो होता है ना आज भी कॉमन है नॉन वेज नेक्स्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एग्रीकल्चर के बारे में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं हिस्ट्री में जितनी भी बातें हैं जितने भी पॉइंट्स हैं जो भी एविडेंस हैं हिस्टोरियन उन सबको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वो पूरी के पूरी आइडियाज़ लगाते हैं नोट ओनली वन पर्सन मैनी हिस्टोरियंस टुगेदर आर्ग्यूइंग एंड देन दे डिसाइड कि एक्चुअल में क्या हुआ होगा हिस्ट्री हमेशा नॉन टू अन नॉन पे बेस्ड होती है सो वाइल द प्रिवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाई फाइंड्स ऑफ ग्रीन जब उनको लगा कि एग्रीकल्चर जो है वो हर जगह मेन थी वाइड स्प्रेड थी इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज अब ये तो पता चल गया कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज होती थी बट एक्चुअल प्रैक्टिस को रिकन्स्ट्रकट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कैसे पता चल सकता है कि वो किस तरह से जो सोइंग करते थे वो कैसे करते थे लाइक like, अब दो तरह से होती है सोइंग वर सीड ब्रॉडकास्ट एक तो क्या होता है प्लोड लैंड होता है पहले उसको प्लो कर लिया जाता है मिट्टी को पूरा का पूरा एंड उसके बाद उस पर सीड्स को ऐसे स्केटर्ड ऐसे हाथ से फेंक दिया जाता है दूसरा क्या होता है आप लोगों ने अगर कभी कहीं वीडियोस वगैरह कुछ देखा होगा या जो स्टूडेंट फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता भी होगा कि एक और आ, क्या प्रोसेस होता है मशीन से एक इस तरह की उसमें क्या होती है पाइप्स लगी हुई होती हैं और नीचे एक क्या होता है टिप्ड आयरन का एक नुकीला सा होता है वो लोहे का जो उसको खोदता हुआ जाता है और सीड्स को उसके अंदर मिट्टी के अंदर डालता हुआ जाता है ऐसे ही अब तो मशीनों का यूज़ हो रहा है बट इन सेम टाइम में प्लो का यूज़ होता था हल होता था जिसके नीचे ऐसे ही आयरन टिब्ड एक लोहे का एक क्या बना हुआ होता था नीचे उसके लगा हुआ होता था और ऐसे ही वो खोदता बहुत नुकीले टाइप का होता था ठीक है और वो उसे ज़मीन को खोदता और ऐसे ही उसके साथ साथ एक पाइप लगी हुई होती थी जो वन बाय वन सीड्स को ऐसे मिट्टी में डालती हुई जाती थी सो दो तरह की प्रैक्टिसेस हैं हम नहीं आइडिया लगा सकते कि कौन सी को वो फॉलो करते होंगे representations on सील्स एंड terracotta स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल was नॉन तो ये जो हमें टेराकोटा स्कल्पचर मिले हैं ये आपको दिख रहा होगा टेराकोटा बुल मिट्टी का एक बुल बना हुआ है तो इस तरह के स्कल्पचर अगर मिले हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि बुल जो है वो नॉन था लोग बुल को जानते थे बुल को जानते थे तो डेफिनेटली जब भी हम कोई भी एविडेंस हमें मिलता तो है तो नॉन टू अन जाते हैं बुल का यूज़ किस लिए होता है प्लोइंग के लिए एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्शन फॉर प्लोइंग सो हिस्ट्री हिस्टोरियन जो है ये आइडिया लगा सकते हैं जनरली उनको ये पता चल जाता है कि ऑक्शन जो है वो प्लोइंग के लिए यूज होता था मोर ओवर टेराकोटा मॉडल मॉडल्स ऑफ द प्लो हैव बीन फाउंड एट साइट इन चोलिस्तान एंड एट बनावली हरियाणा तो इन साइट्स पे टेराकोटा uh, मॉडल्स जो हैं वो मिले हैं प्लो के सो स्टूडेंट्स मार्क ऑल दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये आपके वन मार्क क्वेश्चन हो सकते हैं एम हो सकते हैं आर्क्योलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लोड फील्ड एट कालीबंगन राजस्थान कालीबंगन जो राजस्थान में है वहाँ पे एक प्लोड फील्ड ऐसे ही आ, प्लो किया हुआ खेत का जो एक एरिया है वो उनको वहाँ पे मिला है एसोशिएटेड विद अर्ली हरप्पन लेवल तो वो किस लेवल पे है जो अर्ली साइट्स थी उस लेवल पे है द फल्ड हैड टू साइट्स ऑफ फ्रोज एट राइट एंगल्स टू ईच अदर तो अभी जो मैंने बताया ना फ्रो वो जो खोदने वाले होते हैं नोकेले टिप्ड होते हैं सो so, वहाँ पर ये क्लियर होता है कि उनका जो फ्लो था उनके उसके साथ ना टू ऐसे टिपड वाले फ्लो होते थे जो ज़मीन को खोदते हुए जाते थे दो लाइनें बनाते हुए जाते थे और दोनों में ही दो तरह के अलग अलग तरह के सीड्स नीचे आते थे और वो मिट्टी में उसको डाल देते थे सो so, ये क्लियर होता है कि दो तरह की डिफरेंट टाइप की जो क्रॉप है, वो एक साथ ग्रो की जाती थी आर्क्योलॉजिस्ट आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग तो कुछ डेफिनेटली हार्वेस्टिंग के लिए जो टूल्स यूज होते हैं आ, वो भी उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं लाइक like सीकल डिड द हरपन्स यूज स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स तो अभी ये नहीं क्लियर हुआ कि वो मेटल टूल्स यूज़ करते थे या फिर स्टोन ब्लेड्स को ही आपने अगर किसी ने सीकल देखी हो दरांती जो होती है वो ऐसे ही होती है उस पर वुडन हैंडल होता है जिसको हैंड में होल्ड किया जाता है और आगे एक ब्लेड होता है आयरन का मोस्ट अरअपन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स सेमी एरिड जो ना तो ज़्यादा सूखी हैं और ना ही वहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन है वेयर इरीगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली अगर एक ज़्यादा नमी वाला एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा इरीगेशन की नीड नहीं होती सो सेमी एरिड है सूखा भी है और कुछ थोड़ी बहुत नमी है तो वहाँ पे इरिगेशन की भी ज़रूरत होती रही होगी ट्रेसिज ऑफ हैव बीन फाउंड एट द हरप्पन साइट ऑफ शोर इन अफगानिस्तान बट नोट इन पंजाब और सिंध सो so, एक साइट है जहाँ पे कैनल्स के जो नालियाँ बनाई जाती हैं इरिगेशन के लिए उनके ट्रेसिस मिले हैं बट हर जगह नहीं मिले हैं इसके लिए भी कुछ पॉसिबल चांसेस हैं हो सकता है कि वो जो नालियां हैं वो सिल्ट से मिट्टी से कवर हो गई हों और उनका निशान ही ना रहा हो उनकी कोई एविडेंस ही ना रहे रही और ये भी हो सकता है कि कई जगह जो वाटर रिजर्वेर यूज़ किए जाते थे उनसे ही इरीगेशन की जाती हो इट इज़ पॉसिबल दैट एनशियन कैनल्स सिल्टेड आप लोगों को वही बहुत पुराने टाइम की बात है इतने साल पहले की बात इतने हज़ार साल पहले की बात है तो मिट्टी ने उनको कवर कर दिया होगा इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वॉज यूज फॉर इरीगेशन बिसाइड्स वाटर रिजर्वेयर्स फाउंड इन ढोलावीरा गुजरात मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर ये भी मिला है ये भी हो सकता है कि वाटर जो है वो कुओं से निकाला गया हो निकाला जाता हो इरीगेशन के लिए या फिर कुछ डोलावीरा गुजरात जो है वहाँ पे आ, रिजर्वियर मिले हैं उसको एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया हो सोर्स वन आपका फोर मार्क्स फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व मार्क्स के सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो आपकी ही बुक से होते हैं सो ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट एन सी आर टी इज एवरीथिंग सो डोंट लीव एनी लाइन एनी वर्ड फ्रॉम योर बुक सो हाउ आर्टिफेक्ट आर आइडेंटिफाइड किस तरह के आर्टिफेक्ट्स थे किस तरह उनको आइडेंटिफाइफाई uh, किया गया क्या उनके बारे में आइडियाज़ लगाए गए डेफिनेटली नोन टू अन हम जाते हैं प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायरमेंट ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वे सेल्स फॉर मिक्सिंग ब्लेंडिंग एंड कूकिंग सो अभी हमें पता चला कि ग्रेन्स के कुछ सीड्स मिले हैं सो so डेफिनेटली ऐसे तो है नहीं कि ग्रेन्स को वो ऐसे ही खा लेते होंगे उनको ग्राइंड करते होंगे लाइक like अगर गेहूं की बात करें आटा बनाते होंगे गेहूं और बाजरा जो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका पहले आटा बनाते होंगे तभी तो खाना पकाते होंगे ना तो आटा बनाएंगे तो उसके लिए उसको ग्राइंड करना होगा अगर किसी ने कभी ओल्ड टाइम्स वाले कोई पिक्चर कोई किसी मूवी में या कहीं देखा हो वहाँ पे क्लियरली एक हाथ की चक्की दिखाई देती है जिसमें क्या होता है दो पत्थर से स्टोन से बने हुए आ, सर्कुलर टाइप के दो क्या होते हैं बड़े बड़े स्टोन होते हैं और एक नीचे जो है वो ज़मीन पे सेटल कर दिया जाता है और दूसरे को उसके ऊपर रख के और एक हैंडल लगा दिया जाता है जिसे घुमाया जाता है और बीच में ग्रेन्स डाले जाते हैं और फिर उनका क्या बन जाता है वो आपस में जब दोनों स्टोन इन उनके बीच में इतना प्रेशर होता है कि ग्रेन्स जो है वो पिस जाती हैं दीज वर मेड ऑफ स्टोन मेटल एंड टेराकोटा this is an excerpt from one of the earliest reports on execution at मोहन the best known Harappan site. So साइड सो वहाँ पे आ, कोई एग्जोन जोदारो के एग्जीक्यूशन के बारे में जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई थी ना वहाँ से ये आ, जो सोर्स है वो कलेक्ट किया गया है सेडल क्वेंट्स सेडल क्वेंस जो अभी मैंने बताया ना पत्थर के जो चक्की होती है या पत्थर के जो भी हम यूज़ करते हैं लाइक like अगर आपने देखा हो तो होगा तो सिलबट्टा वगैरह घर में चटनी पीसने के लिए भी यूज़ किया जाता है ना इट इज़ ऑल्सो इट इज़ यूज आर फाउंड इन इनकसिडरेबल नंबर्स एंड दे सीम टू हैव बीन द ओनली मीन्स इन यूज़ फॉर ग्राइंडिंग सीरियल्स सो क्लियरली ये पता चल रहा है कि वो दालें ग्रेन अनाज वगैरह को पीसने के लिए यूज़ होते थे एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ़ हार्ड ग्रिटी इग्निस रॉक और सैंडस्टोन एंड मोस्टली शो साइंस ऑफ हार्ड यूजेज सो डेफिनेटली वो एक हार्ड टाइप के ग्रिटी ग्रिटी वो था ना दानेदार सा खुरदुरा तरह का जो इग्नेस रॉक से बना हुआ क्या होंगे पत्थर होंगे जो हार्ड यूज़ के लिए यूज़ किए जाते होंगे

और रोल्ड टू एंड फ्रो एक तो ऐसे होता है कि जैसे सिलबट्टे टाइप मैंने बता दिया ना जिसमें क्या होता है नीचे वाले को रख दिया और उसके ऊपर दूसरे को उसके ऊपर हम ऐसे टू एंड फ्रो घुमाते रहते हैं रोल करके भी या फिर जैसे चक्की होती है उसमें दोनों को ही ऐसे घुमाते रहते हैं एन एंड अद अदर विद विच सेकेंड स्टोन वॉज यूज एज अ पाउंडर पाउंडर क्या होता है एक मूसल uh, की तरह होता है मूसल जिसको बोलते हैं ना वो थोड़ा सा लाइक अगर आप लोगों ने देखा होगा कूटने के लिए जिसको हम हैंड में होल्ड करके और उसे बार बार उसके नीचे जो होता है उसके ऊपर जैसे बार बार उसे चोट मारेंगे उसकी तो बीच में रब करेंगे फिर क्या हो जाएगा वो ग्राइंड हो जाएगी इवेंचुअली मेकिंग अ लार्ज कैविटी इन दैदर स्टोन जो नीचे वाला है ना उसके ऊपर जोर से जब उसको मारेंगे तो वो उस ग्रेन को या मसाले वगैरह को पीसने में कैपेबल होगा क्वेंस ऑफ द फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज सोलली फॉर ग्रेन जो पहले वाले हैं जो हमने देखा ना टू एंड फ्रो करते हैं चक्की वो मोस्टली ग्रेन के लिए यूज़ होते होंगे एंड सेकेंड टाइप वाले पॉसिबली ओनली फॉर पाउंडिंग हर्ब्स एंड स्पाइसिस फॉर मेकिंग करीज डेफिनेटली वो मसाले वगैरह पीसने के लिए यूज़ होते होंगे इन्फेक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप आर डब्ड करी स्टोन्स इनको बाद में इसी नेम से डिनोट किया गया करी स्टोन्स बाई आर वर्क मैन एंड आर कुक आज फॉर द लोन ऑफ वन फ्रॉम द म्यूज़ियम फॉर यूज़ इन द किचन तो ये एग्जाम में लिखा गया है रिपोर्ट में ये क्लियर किया गया है कि एक बार हमारे कुक ने इन स्टोन्स में से एक पेयर को अपने किचन में यूज करने के लिए बोरो किया था लोन लिया था उनसे उधार लिया था सो ऑल द पिक्चर्स जितनी भी इमेजेस आपको मिलती हैं सारी आपकी बुक में जो एन सी आर टी वेदर एनी पिक्चर एनी वर्ड एनी सोर्स एनी ऑफ लाइन ईच एंड एवरी लाइन इज इम्पोर्टेंट सो द पिक्चर्स ये क्या है कॉपर टूल्स हमारे जो एविडेंस मिले हैं कॉपर टूल्स के देन रिज़र्वियर जो अभी हमने पढ़ा था ना रिज़र्वियर यहाँ पे पानी को जो है वो स्टोर करके रखा जाता था लाइक like जब भी रेनी सीज़न होता तो रेनी सीजन में वाटर जो है वो अब में होता था तो उसे यहाँ पे स्टोर कर लेते थे आगे जब आ, समर सीज़न होता है या रेनी सीज़न नहीं होता है इरिगेशन के लिए वाटर की जब भी नीड होती थी तो इस रिज़र्वियर से पानी को यूज़ कर लेते थे नेक्स्ट यू कैन सी दिस ये आपको दिख रहा होगा दो तरह के यहाँ पे क्या मिले हैं सेडल क्वेंस एक तरह का नीचे दिख रहा है ना ये ये कन्वेक्स टाइप का है ऊपर जो है रोलर टाइप का बेलन की तरह जो नीचे वाले के ऊपर बीच में ग्रेन या जो भी कुछ है रख के और ऊपर वाले को उसके ऊपर ऐसे प्रेस करेंगे जिससे हमारे मसाले भी पिस जाएंगे और ग्रेन भी पिस जाएगी सोए फोटो डे इन नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड टॉपिक मोहन जोदारो अ प्लैंड अर्बन सेंटर सो बाय स्टूडेंट्स हैव हैवे नाइस डे